हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मैथ मेंटर चैनल पे। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक इनडेफिनेट इंटीग्रल को कंटिन्यू करते हैं। डेफिनेट और इनडेफिनेट टू टाइप का हम इंटीग्रल डिस्कस करते हैं। हमारा पहला चल रहा है इनडेफिनेट वाला, ठीक है ना। डेफिनेट वाला बाद में डिस्कस करेंगे। अगर इनडेफिनेट आ गया तो डेफिनेट इंटीग्रल बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए इनडेफिनेट में आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, पहले मैं आपको ये बताने वाली हूँ। इससे प्रीवियस जो हमने डिस्कस किया उसमें क्या था, उसमें हमने देखा था, सो ये आई थिंक 8 पार्ट हो गया ना शायद। चलो मैं देख लेती हूँ भी ये कौन सा पार्ट बनेगा, 7 बनेगा कि 8 बनेगा, है ना। इससे पहले हमने देखा कि साइन रेज टू पावर एम एक्स और कोस रेज टू पावर एन एक्स का इंटीग्रेशन कैसे आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब आज के लेक्चर में क्या करेंगे, आपके पास क्वेश्चन आ गया टेन रेस्ट पावर एन एक्स और सिकेंड रेस्ट पावर एम एक्स डी एक्स। यहाँ एम और एन का मीनिंग ये है कि 2 पावर आ सकती है, 5 पावर आ सकती है, 6 पावर आ सकती है, ऐसे कितनी भी पावर आ सकती है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो एम एन का मीनिंग है वो यही सेम चलेगा। टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सिकेंड स्क्वायर होता है ना। टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सिकेंट स्क्वेयर होता है, ये याद में रखना। अब क्योंकि कोट और कोसिकेंट वाला आप खुद बनाओगे, आपसे बनेगा इसी से। अब कैसे इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, एम और एन की कुछ भी वैल्यू आएगी, है ना। क्या क्या आ सकती हैं, केस बनाएं पहले, ये तो मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। फर्स्ट केस क्या बन सकता है कि बोथ आर ओड, यही बन सकता है। सेकेंड क्या केस क्या बनेगा, बोथ आर इवन, दैट मीन्स बोथ 1, 3 आ सकता है, 3 के साथ 5 आ गया, या फिर यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, है ना। ओड, बोथ आर ओड। इवन के लिए 2 के साथ 4 आ गया, 2 के साथ 6 आ गया, है ना, ऐसे कुछ भी आ सकता है, बोथ आर इवन। थर्ड केस क्या बनेगा, थर्ड केस क्या बनेगा, एन इज ओड, ठीक है ना, n is odd, that means 10 की पावर odd आ गई और m क्या आ गई, is even। तो फोर्थ केस क्या बनेगा, n is even और m is odd। चलिए odd even के सभी केसेस डिस्कस हो गए, एक बार ये odd आ गया, एक बार ये even आ गया, दोनों odd आ गए, दोनों even आ गए, ठीक है। सभी केस आपके सामने आ चुके हैं, आप देख सकते हो। अब करना कैसे है, करना कैसे है, अगर दोनों ओड आ गए तो क्या करोगे, अगर दोनों ओड आ गए तो हमने सिकेंड एक्स को टी पुट करना है, अगर दोनों इवन आ गए तो हमने टेन एक्स को टी पुट करना है। ध्यान से देखें, बोथ ओड आ गए तो सिकेंड एक्स चलेगा, बोथ इवन आ गए तो टेन एक्स चलेगा। अगर 10 की पावर ओड आ गई, n ओड है, वो 10 की पावर है, अगर 10x ओड में आ गया तो भी 10x टी पुट होगा, ठीक है ना। 10x क्या होगा, टी पुट होगा। और अगर सीकेंड ओड में आ जाता है और n इवन में आ जाता है, इस केस में क्या है आपके पास, इस केस में क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा। आफ्टर दैट हम चेक करेंगे कि किस फंक्शन को हमने पुट करना है। ये वाले केसेस में हमारा आइडेंटिफाई नहीं है कि हमने किसको पुट करना है। ऊपर वाले तीनों केसेस में कोई भी पावर आती है तो हम इसको पुट करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा, हमें आइडिया आ जाता है कि हमने किसको पुट करना है। लेकिन जो ये अगर 10 की पावर इवन आ गई, है ना, और सेकंड क्या पड़ा है, ओड में पड़ा है, तो क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर 10 की पावर इवन है, है ना, 10 की पावर इवन है और सिकेंड की पावर भी इवन है, फिर तो हम 10x को ही टी पुट कर देंगे, इस केस में थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। नोट कीजिए, फिर हम आगे शुरू करते हैं।
टैन का डेरिवेटिव क्या था, सीकेंट स्क्वायर एक्स, यही था ना डी पॉन डी एक्स टैन एक्स का, मैंने अभी आपको बताया है ना। तब जब ये ओड थे तो सीकेंट एक्स टी पुट हुआ, जब ये इवन थे तो टैन एक्स पुट हुआ, ठीक है ना। अब यही फंडा हम इसमें लेके चलते हैं, कोट रेस टू पावर एन एक्स और कोसिकेंट रेस टू पावर एम एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें भी हायर पावर्स आ सकती हैं। अब इसमें क्या बनेगा, कोट का डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बनेगा डेरिवेटिव, है ना, कोट का डेरिवेटिव। तो अगर कोट का डेरिवेटिव ये बनेगा तो कैसे आप इसे पुट करोगे, है माइंड में, मैं अभी आपके लिए एक दो क्वेश्चंस देख रही हूँ इसके रिगार्डिंग। तब तक आप इस चीज को बनाइए कि किस चीज को हम अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। कोट का क्या बोला था मैंने, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, कोई बात नहीं चाहे माइनस आता है, माइनस तो कवर हो जाती है बीच में, नैन का सिकेंट स्क्वायर था तो ओड में क्या आया था, सिकेंट, इन द सेम पी यहां पे भी क्या आएगा, बोथ ओड तो कोसिकेंट को टी पुट करोगे, बोथ इवन तो कोट को पुट करोगे, ठीक है ना। और अगर कोट की पावर क्या आई, ओड आ गई तो हम किसको पुट करेंगे, कोट को टी पुट करेंगे, अगर इवन आ गया वही सेम प्रोसीजर, ठीक है ना। ये कोट और कोसिकेंट तो टैन और सिकेंट के नक्शे कदम पे ही चलेगा, जो रास्ता टैन और सिकेंट फॉलो कर रहे हैं कोट और कोसिकेंट भी उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि टैन और टैन का डेरिवेटिव सिकेंट स्क्वायर आ गया और कोट का डेरिवेटिव भी कोसिकेंट स्क्वायर आ गया, लेकिन साइन और कोस इनसे अलग थे, क्यों, साइन का डेरिवेटिव कोस था, कोस का डेरिवेटिव साइन था, तो दोनों अलग चल पड़े और ये एक रास्ते पे, ठीक है। ध्यान रखना है कैसे करना है, कोई ऐसा नहीं है कि लेंथी प्रोसीजर है, हल्का सा माइंड में रखोगे, ये स्टेप माइंड में आ गए तो अब मैं क्वेश्चंस करवाती हूं कैसे जल्दी जल्दी होंगे वो। कर दे इरेज ना इसे, नोट कर लिया होगा भी आपने, साथ साथ में नोट जरूर करते रहना। अब इसी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाती हूँ आपके सामने, एक क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे m और n के स्पेस पे वैल्यू फिल कर देते हैं, cos रेस टू पावर 3x secant स्क्वायर, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन ले लिया है मैंने, चलो कोई बात नहीं, पहले थोड़े इजी क्वेश्चन कर लेते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ जाएगा ना एक दो क्वेश्चन करके। अब tan क्यूब secant स्क्वायर, tan की पावर क्या आ गई, ओड, और secant की पावर इवन, तो वन ओड वन इवन में चला गया ये, है ना। अब tan की पावर क्या आ गई, ओड, थर्ड नंबर केस किया था, tan की पावर क्या आ गई, ओड, अगर tan x की पावर ओड आ गई तो हम किसे पुट करते हैं, tan x को ही t पुट करते हैं, डेरिवेटिव क्या बन गया, secant स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, कर दीजिए, सिकेंड स्क्वायर ही था ऑलरेडी, हो सकता था यहाँ पे फोर पावर होती तो हम इसे स्क्वायर और स्क्वायर में ब्रेक कर लेते, ठीक है ना, तो सिकेंड स्क्वायर हो गया, डी एक्स डी टी कर दीजिए, टी क्यूब क्योंकि टैन को मैंने टी पुट किया, टी क्यूब डी टी यही बनेगा, कर दीजिए इंटीग्रेशन, टी रेस टू पावर 4 बाय 4 प्लस सी, तो आंसर क्या आएगा, टैन रेस टू पावर 4x बाय 4 प्लस सी। देखिए कितना इजी हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, अगर आपको ओड और इवन पावर का फंडा मालूम था, देख सकते हैं अभी आप देख सकते हैं, ठीक है। जब भी टैन और सिकेंट मल्टीप्लाई में आए तो उनकी पावर्स को पावर्स के साथ आए हैं, जब कोट और कोसिकेंट आए हैं पावर्स के साथ आए हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या रहेगा कि हम ये देखें कि पावर्स कौन सा रूल फॉलो कर रही हैं, अगर उन पहले तीन में से कोई भी रूल फॉलो कर रही हैं तो हमें मालूम है कि हमने किसको पुट करना है, उसे पुट कीजिए और आपका आंसर आता जाएगा, समझ रहे हो, अपने आप आंसर बनेगा। अभी मैं एक क्वेश्चन और करवा रही हूं, ठीक है,
ठीक है, हो गया। अब एक क्वेश्चन और देखिए, cot raised to power 5x अब ये देखिए हो जाएगा tan और secant के साथ ही कंपेयर कीजिए। अगर आपको cot और cosecant का सेपरेट से लर्न नहीं होती पावर तो tan और secant के साथ ही कंपेयर कीजिए। tan का ऑपोजिट cot, तो ये cot के साथ आएगा, है ना, tan का, बट ये secant के साथ नहीं है। तो अब देखिए tan वर्क करेगा एज अ सॉरी cot मान लो एज अ tan, वन ऑड आ गई वन इवन आ गई, वन ओड आ गई वन इवन आ गई। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर टेन की पावर ओड आती है तो हम टेन एक्स को टी पुट कर लेते हैं अगर वन ओड वन इवन आता है। यहां पे भी कोट की पावर ओड आ गई, कोसिकेंट की पावर इवन आ गई, वन ओड वन इवन का केस अगेन मेरे पास आ गया। कौन सा? वन ओड और वन इवन का केस मेरे पास आ गया। तो मैं क्या करूं? जो ओड पावर टेन के ऊपर ही थी, टेन वाली, तो टेन को टी पुट किया था, तो अभी यहां पे मैं किसको पुट करूंगी? कोट को टी पुट करूंगी। कोट एक्स इज इक्वल टू टी, पुट कर दीजिए कोट एक्स इज इक्वल टू टी। हो गया फंडा, बिल्कुल सिंपल सा फंडा था, है ना, कुछ भी नहीं किया था। जैसे सिकेंड और टेन के केस में था, टेन एक्स को टी पुट किया, इन द सेम वे कोट एक्स को क्या पुट कर दिया? टी पुट कर दिया, क्योंकि इसकी पावर क्या आ रही है? ओड आ रही है और उसकी इवन आ रही है, ठीक है ना। अब इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। समझ में आया? चलिए अब फिल कर देते हैं यहाँ पे। बट फिल करने पे हमने देखा कि यहाँ पे कोसिकेंट रेस्ट बाउ फोर है, यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, है ना। तो इसे थोड़ा सॉल्व कर लें। कोट रेस्ट पावर फाइव एक्स सेम एज इट, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये टू फॉर्म में लिख सकते हैं अभी हम। ये तो अब डी टी में कवर हो जाएगा, माइनस उस तरफ चली जाएगी, माइनस डी टी बन जाएगा ये। अब इसका क्या करें, क्योंकि हमने तो कोट एक्स को टी पुट किया है, कोई बात नहीं, इसे किस में चेंज कर लेते हैं? अकॉर्डिंग टू कोट एक्स। चलिए कोट रेस्ट पावर फाइव एक्स, इसे हम क्या लिख सकते हैं? वन प्लस कोट स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, स्क्वायर ही था स्क्वायर, फोर पावर तक सेपरेट होता तो ऊपर एक स्क्वायर और लग जाती, इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। नाउ आगे देखिए, बस अब हमारा हो गया कोट एक्स टी टी आ जाएगा, इसके स्पेस पे माइनस टी टी आ जाएगा। अब अगर मैं करूंगी कोट रेस्ट पावर फाइव को, यहाँ पे टी रेस्ट पावर फाइव वन प्लस टी रेस्ट पावर टू माइनस डी टी, ये आपका हो गया। क्या किया? जब भी कोसिकेंट और कोट मल्टीप्लाई में आए, टेन और सिकेंड मल्टीप्लाई में आए, तो मैंने पहले इनकी पावर्स को ऑब्जर्व किया, बोथ इवन बोथ ओड, वो फंडा बता चुकी हूँ, है ना, वन इवन वन ओड आ गया। अगर टेन की पावर ओड आती है, कोट की पावर ओड आती है, है ना, टेन और कोट, ध्यान से सुनो, इनकी पावर ओड आ जाए तो हम इसे क्या पुट कर देंगे? टी पुट कर देंगे। लेकिन अगर इनकी पावर इवन आ जाए तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो हमें कोई डायरेक्ट नहीं पता, है ना। अब मुझे यहाँ पे डायरेक्ट ही पता चल गया कि कोट एक्स को मैंने क्या पुट करना था? टी पुट करना था, तो टी पुट कर दिया। उसके बाद क्योंकि मैंने डी एक्स की वैल्यू तो निकालूंगी, डी एक्स की वैल्यू निकाल दी। मुझे कोसिकेंट स्क्वायर चाहिए था, यहाँ पे कोसिकेंट रेस्ट टू पावर क्या था? फोर, सिक्स भी हो सकता था, एट भी हो सकता था, हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो स्क्वायर तो सेपरेट कर लूंगी मैं, स्क्वायर को सेपरेट कर लिया, एक स्क्वायर को यहाँ रख दिया मैंने। ये वाला कोसिकेंट तो डी टी में हो गया कवर, बट अब इस कोसिकेंट स्क्वायर का क्या करूं, क्योंकि मैंने तो कोट एक्स को टी पुट किया था। तो हमारे पास आइडेंटिटीज है कि कोसिकेंट स्क्वायर एक्स वन प्लस कोट स्क्वायर एक्स के होता है, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक्स की आइडेंटिटी है। तो मैंने पहले इसको ऐसे लिख लिया, फिर कोट एक्स को टी पुट किया, मेरा सिंपल क्वेश्चन बन के तैयार हो गया, है ना, बिल्कुल सिंपल। अगर ये हायर पावर होती तो यहाँ पे हायर पावर अपने आप आ जाती। अब आगे देखते हैं, अब इसे अगर मैं ओपन करती हूँ, टी रेस्ट पावर फाइव प्लस टी रेस्ट पावर सेवन डी टी, जो माइनस थी वो मैंने आगे लगा दी,
बस अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, माइनस टी रेस्ट पावर 6/6 माइनस टी रेस्ट पावर 8/8 प्लस सी, आ गया आंसर। बट आंसर हम टी में नहीं रख सकते, आंसर किस में आएगा, टी को क्या पुट किया था, कोट। तो चलिए यहां लिख देती हूँ ना, छोटा सा ही आंसर है, माइनस कोस रेस्ट पावर 6x/6 कोट रेस्ट पावर 8x/8 प्लस सी, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया, चेक इट, देख सकते हो आप। इन द सेम वे आपके पास और भी बहुत से क्वेश्चन होंगे तो उनको आप सॉल्व करके देख सकते हो। यहां पे मैंने ये वाला करवाया, कोसेकेंट पुट करने वाला भी आ सकता है। क्वेश्चन लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए, नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, जो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो उसका सोल्यूशन अभी आपको की अभी लेक्चर हमारे चल रहे हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रल कोई छोटा टॉपिक नहीं है, तो जो भी आगे वाले लेक्चर्स आएंगे उनमें से आपके जो डाउट्स हैं वो हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। देखिए एक बार अच्छे समझिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, ऑल्सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन को क्लिक कर लेना। थैंक यू।